दिया है ना हाँ, उससे आगे तिरुपल नाम। ओ तिरुपल। ए गाइस यहाँ देखिए ये लोग तो बिल्ली मार रहा है। अरे भाई तुम उठ गया लेकिन चक्का नहीं उठावा। देख लो कैमरा में तुम काला दिख रहा है। क्या करे करिया आदमी। ये देखिए गाइस यहाँ पे दो ठो बाबू लोग आया है। ये रहा गाइस मेरा आज का भोजन। हेलो गाइस जोहार। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। और आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ लेकिन थोड़ा सा करिया हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं फोटोशूट और देख सकते हैं इतना सारा बाइक है और भी भैया लोग आ रहे इधर उधर से। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहे हैं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही मजा आने वाला है। तो गाइस ये मेरा चचा है। चचा तो अनुज अनुज विली मारेगा ना? थक रहा है गाइस, इन्हें मारने सकेगा हम जान गए। इसके बातें से हमको लग रहा है ना। तो दोस्तों कहीं जाने के लिए निकलते हैं और भयंकर टाइप से आश्रम पसरा हो जाता है। दोस्त लोग जल्दी से तैयार होकर नहीं आता, एकदम कैसा लगने लगता है, एकदम बड़ी जोर हमको खींच लग रहा है ना। पलटा खींच लग रहा है कि नहीं? और यहाँ देखिए गाइस माइकल में जा चुका है, इसी चलते लेट हो रहा है। लेट किए हमें काहे लेट हुआ? लोग भूखे प्यासे लोग लेने खोजता हमको। रीजन रीजन बता, रीजन बता। भूखे प्यासे लेने खोजता हमको। हम लोग भूखे, तुम भूखे नहीं जाएगा है? तो गाइस ये देख सकते हैं हम लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सब लोग अब अपना अपना बाइक में सवार हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं खलारी पेट्रोल पंप। और यहाँ पेट्रोल कम हो गया मेरे गाड़ी में तो 100 रुपये का पेट्रोल लेंगे गाइस, ज़्यादा का नहीं लेना है। हेलमेट, अरे हेलमेट मस्त दिख रहा है हेलमेट में भाई। अरे बहुत महंगा अच्छी का है ये। एसजोर एसजोर का ना? हाँ। अरे क्या रखा है यहाँ? एक्स लिखा है, हमको 1400 समझता है तू। नहीं नहीं गलत लोगों की क्या दिया, एजीबी का है ये, बहुत महंगा। वो आदमी को सस्ता दिखाने के लिए एक जोर का लगा देते हैं। मस्त जोर मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। तो देख सकते हैं गाइस हम बहुत महंगा महंगा आदमी लोग से घूमते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन ब्रांड का है? एजीबी ब्रांड का हेलमेट पाना है लेकिन यहाँ गलती से यहाँ पर थोड़ा सा लोगो लग गया है एक जोर का। कहाँ से आते हैं? दोनों साइड से गाड़ी लगा दिया है, ऐसे में कैसे तेल घुसेगा जी? आए तेल तो घुस जाएगा लेकिन गाड़ी आगे पीछे कैसे होगा? गाड़ी का ओनर हटाओ गाड़ी। तो मेरा गाड़ी में भी जा रहा है फ्यूल, ये देखिए जा चुका है। ये देखिए गाइस 100 रुपीज का पेट्रोल अंदर जा चुका है। अब अनुज का बारी है, ये भी इसका भी वेट कर ही लेते हैं थोड़ा सा, उतना देर रुक गए हैं तो। तो दोस्तों अब हम लोग पेट्रोल पंप से निकलने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अंकल लोग मिले थे जो बोल रहे कि अपना आईडी बता दो, तो चैनल का नाम आईडी वगैरह दे दिए हैं। अंकल लोग देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं है ना। तो चलिए गाइस आगे दिखाते हैं। देखिए बहुत खराब रोड है, स्थिति खराब है इधर का, थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर का नहीं रे, बस यहीं पे यहाँ पे जो रोड है ना ये बस थोड़ा सा खराब है, बाकी बात इधर का जितना रोड है ना आगे सब पूरा चकाचक है, मस्त पूरा पीच रोड है। इधर आएगा तो गाड़ी मतलब स्लो जितना होता ना गाड़ी स्लो चलाने का मन ही नहीं करेगा, बस भगाते जाओ भगाते जाओ। और ये बड़ा सा जल मीनार है यहाँ पे, देखिए अगर आप लोग इस रूट में आओगे भाई लोग तो ये रास्ता आप लोग पहचान लोगे है ना। तो गाइस देख सकते हैं ये मेन रोड इधर था लेकिन ये लोग पता नहीं गांव वाला रोड में घुसा दिया, इधर कुछ है ही नहीं है।
कौन कहाँ है भैया? सामू टोंगरी। आगे कुछ है? हाँ आगे कुछ है। नदी है? हाँ नदी है। उसका आगे में फॉल है। फॉल है? किधर? हाँ। किधर जाना होगा? वो ना नदी है ना। हाँ। उससे आगे तिरुपल नाम। ओ तिरुपल। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो गाइज यहाँ पे एक बहुत अच्छे भैया मिले जिन्होंने इस गांव का नाम बताया। इस गांव का नाम है सामू टोंगरी और इधर वो बता रहे थे आगे में तिरुफॉल है। तो ये वाला रास्ता से हम लोग कभी तिरुफॉल गए नहीं, वो मेन रोड से हम लोग तिरुफॉल गए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे मस्त एकदम शानदार सा ब्रिज में पहुँच चुके हैं जहाँ हमको लग रहा है ये लोग फोटो शूट करेंगे क्योंकि सभी ने गाड़ी यहाँ पे खड़ा किया है। अभी हमको थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ क्या क्या होता है ना। ये गाइस यहाँ देखिए, ये लोग तो बिल्ली मार रहा है। वाओ नाइस, गाड़ी खड़ा करते हैं साइड में। अरे क्या कर रहा है? अरे कलकला रहा है फोटो खिंचाने के लिए, उधर से अभी बिल्ली मारेगा ना। साइड ना हट जाओ, लग लगा जाएगा, बस मन मुरा जाएगा। अरे भाई तुम उठ गया लेकिन चक्का नहीं उठा भाई, कैसे होगा? तो गाइस यहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ सेट हो चुका है और ये भैया फोटो खींच रहा है, उधर डोरेमोन फोटो खिंचा रहा है और दो लोग यहाँ पे पहुंच आए हैं यहाँ पर आरएस में और एनएस में। क्या दोस्त ठीक नहीं खिंचाएगा का? मायूस नहीं होना, ठीक नहीं खिंचाएगा तो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम खींच देंगे। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा, अभी रात नहीं होने वाला है, अभी दोपहर का टाइम है। क्या दोस्त की थे देख लो कैमरा में, तुम काला दिख रहा है भाई, क्या कर रही आदमी? फिल्टर लगा लेगा? फिल्टर लगा बोर दिखेगा होले। लगा हाँ गाइस, फिल्टर नहीं लगता। डायरेक्ट वीडियो कर रहे तो कहाँ से, इंस्टा करते तो फिल्टर लगता है ना गाइस। इतना पत्थर मेरा रहता ना तो हम अमीरे के बेटर रहते। क्या करता, बेचता की? सबको बेच देते हमें, सब पत्थर पैसा ही पैसा हो गया। सब में मछली पालते, मछली मारते ये नदी में। हाँ पैसा कमा के बगल में हरिया मिलता है भाई। हाँ मतलब मछली मारता और पत्थर बेचता हड़िया पीने के लिए। हाँ मछली सबको बेच देते हैं। ये काम तो करोड़पति रहते रहे भाई। हाँ तो उसमें तुम करोड़पति रहता, तुम हड़िया पीते बता तो। जिस दिन करोड़पति बन गया ना तहिया तो महुआ पियेंगे। जानते हैं गाइस, इन लोग को 50 कैमरा दे देंगे ना तो कम ही पड़ेगा। 8 आदमी आया है, 2 कैमरा में नहीं खिंचाने सक रहा है, लड़ मोड़ रहा है। कलर खाली तखन से सब कलर कर रहा है, 2 कैमरा में नहीं खिंचाने सक रहा है गाइस। क्या बताएं, 8 आदमी है यहाँ गाइस। ऐसा ही सब पब्लिक आया है ना, इन लोग का पोज में जानते हैं, देखा देखी फोटो नहीं खिंचाना है, नहीं तो बोल रहा कॉपी राइट दे देंगे। बताइए ये सब ठीक बात है? अभी लोग देखिए गाइस यहाँ साइड होके अकेले अकेले फोटो खिंचा रहा है दोनों जन, कैसे होते हैं? तो नहीं अकेले फोटो खिंचाए ना, हम कहाँ एको बार नहीं खिंचाए। देखो तो खींच चला दूसरा, हम दे 50 रुपया, 50 दे असूल हो या तो 4 फोटो, 25 रुपया 4 फोटो, महंगा कैमरा है जो सलाम ने। गाइस ये लोग मेरा फोटो नहीं खींच रहा इसीलिए हम आगे से हटवे नहीं करेंगे आज, सैकड़ों खिंचाई थे गिरे थे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे लाइन से लग चुका है, अब पता नहीं यहाँ भैया लोग कब टूट पड़ेगा यहाँ पर। तो इन लोग का टूटने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे खिंचा लेते हैं, नहीं तो सब लोग बहुत भयंकर कलकला रहा है गाइस फोटो खिंचाने के लिए। ये देखिए गाइस यहाँ पे 2 बाबू लोग आया है, अभी ये लोग से साइकिल मांग रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए। का नाम है तोर? शंकर। और तोर? अनुराग। स्कूल जावा हाँ? कौन स्कूल? अम्बा टोंगरी। इधर घर अम्बा टोंगरी में? आज थोड़ा सा उठा था भाई। तो गाइस ये लोकेशन में हम लोग घूमच के फोटो खिंचा लिए हैं, अब चलते हैं दूसरे लोकेशन की ओर और जितना फोटो खिंचाना है सब फोटो हम लोग आज ही खिंचा लेंगे गाइस, है ना, और डालेंगे 2-2 दिन में कक्ष। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को मिला है छोटा सा नदी। ओ भाई
तो गाइस अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे रुके हुए हैं, एक छोटा सा होटल है, पेट पूजा हो जाए इसीलिए समोसा वगैरह खाएंगे यहाँ पे, समोसा और जलेबी है तो हम लोग समोसा खाएंगे। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, गर्मा गर्म समोसा और इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा हुआ है, हम लोग का समोसा लग रहा है, समोसा और छोला ये भैया दे रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं वो खा लोग, बाप रे आते आते एकदम खाने लगा। नहीं कराहुल का लो मुर्ग जैसे भूख लगा था होगा, लगबे करता हूँ। ये रहा गाइस मेरा आज का भोजन, समोसा और चना आलू का सब्जी। और यहाँ देखिए गाइस बुखार लोग एकदम पूरा मुंह फाड़ ले है, कखन मिलता हूँ कहके। दीजिए भैया ये लोग को जल्दी दीजिए, मर मोरा जाकर फिर दिक्कतें हैं। साजन प्रतीक साथ गया था घूमने, भूखे मोरा दिया। तो चलिए गाइस पेट पूजा हो चुका है, बाप रे ये लोग समोसा खाता है गाइस एकदम राक्षस जैसा। कोई को 8 खाया है, कोई को 12 खाया, कोई 10, कोई 6, बाप रे बाप। हम तो 4 में ठिठर गए, 6 खाया, 6 खाया, 6 खाया है। नहीं गाइस 4। और आप गाइस आप लोगों को यहाँ ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता हम लोगों को महुआ धौड़ा डहू कोचा होते हुए बलथरवा लेके जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का खतरनाक वाला चढ़ाई है। और इस रास्ते गाइस हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को हमारे चचा सोनू गंजू को उसके घर चढ़ीथान छोड़ना होगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चढ़ीथान, और ये जो रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये रास्ता चामा बिजूपाड़ा होते हुए आप लोगों को रांची लेके जाएगी। और इधर दोस्तों ये देखिए ये रास्ता आप लोगों को खलारी की ओर लेके जाएगी। और यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ पे हम लोगों का दोस्त का घर है सोनू गंजू, तो उसका घर इस साइड में है। यहाँ देखिए अगर आप लोग इस रास्ते से गुजरोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे सोनू का घर है, सोनू गंजू। और सोनू गंजू आलोक का दोस्त है, यहाँ देखिए आलोक अभी व्यस्त है फ़ोन में, और सोनू गंजू हम लोग का भी दोस्त है ना। तो चलिए गाइस आप लोगों को और कुछ कुछ दिखाते हैं खोड़ की चाय। तो दोस्तों हम लोगों को बहुत ज़ोर से प्यास लगा था, और यहाँ देखिए अभी जिसको हम बता रहे थे सोनू हम लोगों का दोस्त है, तो देखिए गाइस सोनू एक बाल्टी पानी लेके आया हम लोगों के लिए। सोनू बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पानी पी लेते हैं प्यास बुझ जाएगा थोड़ा बहुत, अंदर में गिलास भी है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई पी लेते हैं पानी। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से घर की ओर निकलने वाले हैं, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा ब्लॉग देखते देखते इतने दूर आ चुके हो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग, लव यू ऑल, जय झारखंड, सबके जोहार। तो चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।